सांपों को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित है और यही वजह है कि इस धरती पर सांपों को एक अलग तरह के जीव के तौर पर भी जाना जाता है। कई बार तो सांप को देखकर एक बार को किसी भी मजबूत दिलवाले का कलेजा मुकवा जाता है, भले ही वह सांप जहरीला हो या ना हो। लेकिन धनबाद के रहने वाले इस नए कैचर दंपत्ति के लिए इन सांपों को पकड़ना बाएं हाथ का खेल है। खासकर इस दंपत्ति में महिला सदस्य लक्ष्मी को इन सांपों से कोई डर नहीं लगता है। चाहे वे दुनिया के अत्यधिक खतरनाक जहरीले सांपों में शुमार किंग कोबरा हो या फिर समुद्री रसेल वाइपर, इन्हें पकड़ने के दौरान लक्ष्मी के साहस और उत्साह देखते ही बनता है। लक्ष्मी खतरनाक सांपों को बड़े ही संयम के साथ पकड़ लेती है। पिछले 3 सालों में अपने पति बजरंगी यादव के साथ रहकर सांप पकड़ने का प्रशिक्षण ले रही है। सांपों को पकड़ने की अपने शौक की बात करते हुए लक्ष्मी ये बताती हैं कि उनके पति बजरंगी यादव पिछले 16 सालों से सांपों को पकड़ते आ रहे हैं और वह सांपों को पकड़ने के लिए बुलावे पर आसपास की जगहों के अलावा सीमावर्ती बिहार और बंगाल भी जाते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन के बुलावे पर सांपों को पकड़ने कई बाहर गए हुए थे, तभी घर में जहरीला नाग निकल कर आया। इसे पकड़ने की हिम्मत किसी गांव वाले में नहीं थी, बल्कि बाद लोगों ने उसे मार दिया। इस घटना से लक्ष्मी को काफ़ी दुख पहुंचा। वह कहती है कि इसी के बाद उसने भी सांपों को पकड़ने का प्रशिक्षण अपने पति से लेने का निर्णय लिया। पहले तो वो नाराज़ हुए, फिर काफ़ी मनोबल के बाद तैयार भी हुए। अब हम दोनों मिलकर सांपों को पकड़ते हैं और जंगल में छोड़ाते हैं। खैर, ये इंटरेस्टिंग था अभी के लिए इस वीडियो में। इतना ही, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।